नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ यूपी। दुनिया में ऐसा ही कोई होगा जो रातों रात पैसे वाला नहीं बनना चाहता होगा। बिना मेहनत किए कैश कमाकर ऐश करने के सपने हर कोई देखता है और इसके लिए लोग गैर कानूनी काम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। पैसों की लालच में लोग इस तरह गिर जाते हैं कि वो अपनी ही कोख को बेचने लगते हैं। आज की खबर एक ऐसी माँ से जुड़ी हुई है जिसने पैसे की लालच में ऐसा काम किया जिससे आज उसकी बेटी ही माँ शब्द से नफरत कर बैठी है। ये शब्द उसके कानों में अब चुभने लगे हैं। बता दें कि जिस माँ ने अपनी बेटी को जन्म देने से पहले उसे 9 महीने के लिए कोख में रखा और फिर जन्म के बाद उसका लालन पोषण किया, आज वही माँ पैसों की भूख में अपनी ही बेटी की दुश्मन बन बैठी है। ये पूरा मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहाँ एक नाबालिग लड़की सिविल लाइन्स कोतवाली पहुंची और कोतवाली में अपनी आपबीती सुनाकर रोने लगी और उसने ससुराल वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो इसके लिए गुहार लगाई तो वहां मौजूद हर कोई चौंक उठा और देखते ही देखते ये चौकन हंगामे में बदल गया और हर कोई सिर्फ यही पूछ रहा था कि वो कैसे माँ और बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी इतनी कम उम्र में करवा दी, जिस उम्र में लड़कियां स्कूल जाती हैं और अपने सपने बुनती हैं। यही नहीं, लड़की ने पुलिस से शिकायत की कि उसके माँ बाप ने उसका निकाह जबरन एक शराबी के साथ करा दिया। ससुराल जाने पर उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ और बहन ने इस निकाह के बदले में 2 लाख रुपए भी लिए, जिससे उसके दिमाग में ये बात साफ हो गई कि ये कोई निकाह नहीं बल्कि एक सौदा था जिसमें उसके जीवन को एक शराबी के हाथों में बेच दिया गया है। नाबालिग लड़की ने पुलिस थाने में अपनी माँ और बहन पर चरित्रहीन होने का भी आरोप लगाया है और कहा कि कई लोगों के साथ उसकी माँ के शारीरिक संबंध भी हैं और अब उसकी माँ चाहती थी कि उसकी बहन की तरह वो भी इसी दलदल में फंस जाए, लेकिन जब उसने ये सब करने से इनकार कर दिया तो उसे 2 लाख रुपए में एक शराबी के हाथों में निकाह के नाम पर बेच दिया गया। लेकिन शराबी पति भी हैवान से कम नहीं निकला। नाबालिग ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर उसे दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है। पीड़िता लड़की की मां का नाम सरवरी, पिता का नाम वसी अहमद और उसके शराबी पति का नाम आमिर है। इन सभी के चंगुल से बचकर लड़की ने यह सारी बात अपनी महिला दोस्त से बताई तो उसने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी। लड़की की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस ने FIR दर्ज कर उसकी मां, पिता और पति की तलाश में जुट गई है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर पुलिस जेल में डालने की बात कह रही है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से लोग कुछ चंद पैसों के लिए अपनी ही बेटी के जान के दुश्मन बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि जिसका वो सौदा कर रहे हैं कभी वो उन्हीं की गोद में खेली थी। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।